हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से यह योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिसका यह योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं। जितने भी घटना चक्र से क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर में बना दिए गए हैं। एंड दोस्तों, जो डेली बेसिस पर मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ चैप्टर वाइज, उसका भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि सिंह यानी कि शेर के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है। तो शेर के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन है सिंहासन। जैसा कि दोस्तों, प्रत्येक आसन के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि पहले आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है उसी को बता रही हूँ, ठीक है। और जो टॉपिक बचेगा उसको तो आराम से बताती रहूंगी, ठीक है। जैसा कि दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है। तो कौन सा आसन है जो मत्स्येंद्र की देन है? मत्स्येंद्रासन, ठीक है, मत्स्येंद्रासन। नेक्स्ट है, शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है। तो शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन है अंजनेय आसन। कौन सा है? अंजनेय आसन। नेक्स्ट है, किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान हो जाती है। तो किस आसन में हो जाती है शरीर की मुद्रा मुर्गे के समान? कुक्कुट आसन में। किस आसन में? कुक्कुट आसन में। नेक्स्ट है, किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर की भांति हो जाती है। जैसे कि दोस्तों, मोर की भांति किस आसन में होता है? मयूर आसन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है। तो दोस्तों, वीरासन जो है वह हनुमान आसन कहलाता है, ठीक है, वीरासन जो है वह हनुमान आसन कहलाता है। नेक्स्ट है, नाभि परीक्षा के कितने आसन है। तो नाभि परीक्षा के 4 आसन है, ठीक है। नेक्स्ट है, टीबी एवं दमा के मरीजों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है। तो दोस्तों, टीबी और दमा के मरीजों के लिए सर्वांगासन उपयोगी है। नेक्स्ट है, पाइल्स यानी कि जो बवासीर होता है उसके उपचार हेतु कौन सा आसन उपयुक्त है। तो बवासीर यानी पाइल्स के लिए गोमुख आसन उपयुक्त है। कौन सा आसन? गोमुख आसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है। तो दोस्तों, मोटापा कम करने के लिए धनुरासन, मयूरासन, ठीक है। कौन है? धनुरासन, मयूरासन, दोनों आसन मोटापा कम करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है। तो जैसा कि दोस्तों, हृदय रोगी हो चाहे मन शांत करने का हो, शवासन तो होगा ही एंड सिद्धासन भी होगा, ठीक है। तो हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? तो शवासन और सिद्धासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम का अर्थ है। जैसा कि दोस्तों, मैं वीडियो प्राणायाम वाले वीडियो में बता चुकी हूँ प्राणायाम के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, प्राणायाम का अर्थ है, ठीक है, प्राण धन आयाम यानी कि सांसों पर नियंत्रण करना, ठीक है। प्राणायाम का अर्थ क्या है? सांसों पर नियंत्रण करना, प्राणों पर काबू पाना या सांस का नियमन करना, उपरोक्त सभी होगा सही, ठीक है, क्योंकि तीनों में बात वही कहा गया है। नेक्स्ट है, प्राणायाम के मुख्य घटक कौन से हैं। जैसा कि दोस्तों, मैं बता चुकी हूँ प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, यानी कि सांस लेना, सांस रोकना, सांस छोड़ना, ठीक है। पूरक, कुंभक, रेचक, सांस लेना, रोकना, छोड़ना, ठीक। तो उपरोक्त सभी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहा जाता है। तो सांस अंदर लेने को पूरक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूरक, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम में सांस बाहर छोड़ने को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, बाहर छोड़ने को रेचक बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सांस बाहर छोड़ने को रेचक कहा जाता है प्राणायाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, रोकने को कुंभक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुंभक, ठीक। पूरक, कुंभक, रोचक, रेचक,
यानी सांस लेना, सांस रोकना, सांस छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणायाम में मस्तिष्क के उस भाग को उत्प्रेरित किया जाता है जहां जीवन शक्ति खोती है? तो कौन सा वह प्राणायाम है? सूर्य भेदन प्राणायाम, यानी कि इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोला जाता है, जो मस्तिष्क के उस भाग को उत्प्रेरित करती है जहां जीवन शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौरे की गुंजन जैसा संबंधित प्राणायाम कौन सा है? तो यह भौरे की गुंजन जैसा कौन सा प्राणायाम है? भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? भ्रामरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम किन रोगियों के लिए उपयोगी है? उच्च रक्तचाप वाले, कि निम्न रक्तचाप वाले, कि कफ दोनों, यानी कि ए बी दोनों, कि मलेरिया वाले। ठीक है, तो प्राणायाम जो है उच्च रक्तचाप वाले, निम्न रक्तचाप वाले, दोनों के लिए उपयोगी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम शरीर के किस भाग की मांसपेशियों को चुस्त बनाता है? तो यह जिगर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, इनमें से सभी के, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्राणायाम शरीर के किस भाग की मांसपेशियों को चुस्त बनाता है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यह समस्त शरीर की मन को शुद्ध करता है और समस्त शरीर को स्वस्थ रखता है प्राणायाम। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी मिस्टेक होंगी उसको भी कमेंट में बताइए, और जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।